इंदौर के कॉकटेल्स एंड ड्रीम पब में रविवार रात जम का मारपीट हुई। विवाद लड़की छोड़ने की बात से शुरू हुआ। इसके बाद लड़की के दोस्त और अन्य लोगों ने मिलकर मंच वालों की पिटाई कर दी। दोनों तरफ के युवा लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए। यहां बाउंसरों ने दोनों पक्षों को अलग किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच हुई, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग भाग चुके थे। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की है। जहां रविवार रात स्कॉय अर्थ स्थित बिल्डिन के ग्राउंड फ्लोर पर बने कॉकटेल्स एंड ड्रीम पब में दो पक्षों में मारपीट हो गई। महिला मित्र से छिड़खानी के बाद पब के अंदर कहासुनी और गाली गलौज के बीच दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के युवा पब के अंदर लड़ते लड़ते सड़क पर आ पहुंचे। बताया जाता है कि मारपीट के समय दोनों पक्ष के युवा नशे में थे। पब के बाउंसरों ने दोनों पक्षों को अलग किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक विवाद करने वाले युवा भाग कर निकले थे। घटना का वीडियो देर रात इंटरनेट पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही अधिकारियों ने समय पर पबों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इंदौर के सभी थानों के TI को लेकर लिखकर ये निर्देश दिए कि पब के मालिक की जिम्मेदारी फिक्स की जाए, ताकि पबों में मारपीट जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है और ना ही पुलिस ने कोई प्रकरण दर्ज किया। इंदौर से तवरेज खान की रिपोर्ट। ये कल रात में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है, जिसमें कुछ लोग विवाद करते हुए और मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। ये घटना जो है, ऐसा बताया गया है कि ये लसूड़िया थाना क्षेत्र की है। TI को भी बताया गया है और TI को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इस तरह के जो मैचेस वगैरह दिखाए जा रहे हैं, उनमें जो भी एक पब है या होटल है या रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वहाँ के प्रभारी जो वहाँ का जो ओनर होता है, उसका जो मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए और किसी भी सूरत पर किसी भी मैच के दौरान ये जो मारपीट या इस तरह का वाद विवाद है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और इसी संबंध में हमारी तरफ से सारे TIs को लेटर भी लिखे गए हैं कि उनकी मीटिंग्स लेकर इस संबंध में उनको बताया जाए।